बात उद्धव ठाकरे की, कैसे टीवी वालों की तरह ऐसे बुलंदी में आवाज कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के अगले और ठाकरे परिवार से पहले मुख्यमंत्री, गुरुवार शाम जब वो शपथ ले रहे होंगे जी, अगर ले रहे होंगे क्योंकि सुबह सुबह कुछ भी हो जाता है, तो जगह होगी दादर का शिवाजी पार्क, वही पार्क जिसे लेकर आज मुंबई हाईकोर्ट, माफ करिए हाईकोर्ट का नाम नहीं बदला, बॉम्बे हाईकोर्ट की चिंता आ गई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मैदानों पर ऐसे कार्यक्रमों का सिलसिला नहीं चलना चाहिए, लेकिन एक पार्टी के तौर पर शिवसेना के लिए शिवाजी पार्क का बड़ा महत्व है। इस पार्क में शिवसेना की नाल गड़ी है, यहीं से शिवसेना की राजनीति शुरू हुई। यहीं 1966 में बाल ठाकरे ने पहली रैली की, हर चुनाव का शंखनाद यहीं से, हर दशहरे को शिवसेना का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव दशहरा रैली भी यहीं पर। बाल ठाकरे शिव सैनिकों को एजेंडा देते इस रैली में और साल भर के लिए काम पूरा करने में शिव सैनिक लग जाते। शिवसेना का इस मैदान के लिए अनुराग ऐसा कि कोर्ट मैदान पर राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाती, पर शिवसेना रैली के लिए स्पेशल परमिशन मिल जाती। साल 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलाके को साइलेंट जोन घोषित कर दिया, पर शिव सैनिक फिर भी मौजूदगी दिखाते रहे। इसी मैदान पर शिव सैनिकों ने बाल ठाकरे की बीमारी में रिकॉर्डेड क्लिप देखी, यहीं बाल ठाकरे का अंतिम संस्कार देखा। मगर हम ये मैदान पर क्यों अटक गए? खबर तो उद्धव ठाकरे पर होनी थी, पर बात बाल ठाकरे पर होने लगी। बाल ठाकरे, लोगों ने बताया कि बड़े अच्छे फोटोग्राफर और कार्टूनिस्ट थे। फोटोग्राफी के गुण उनके बेटे उद्धव ठाकरे में भी खूब आए। बचपन से वाइल्ड लाइफ और नेचर फोटोग्राफी के शौकीन। सियासत में नए थे तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाला रुझान यहाँ भी बार बार सुनाई देता। बातें चलती कि कैसे एक बार फोटो लेते लेते हेलीकॉप्टर से गिरने वाले थे। एरियल फोटोग्राफी का शौक ऐसा कि 2004 में महाराष्ट्र के 28 किलो की एरियल फोटोग्राफी कर डाली। 10 दिन में 40 घंटे तक उड़ान भरकर 4500 से ज़्यादा तस्वीरें खींची। ये तस्वीरें खींचना इतना आसान नहीं था। किलों के ऊपर उड़ने के लिए कई बार सेना के तीनों अंगों और केंद्र सरकार से परमिशन भी लेनी पड़ी। फोटो वाले रोल टॉप सीक्रेट के लेवल के साथ पहले होम मिनिस्ट्री गए, वहां से इंटेलिजेंस अथॉरिटीज़ की हरी झंडी मिली और तब तस्वीरें दुनिया ने देखी। ये महिमामंडन या उद्धव ठाकरे की पहुंच बताने का प्रयास नहीं है, ये बताया जा रहा है कि शौक के लिए महाराष्ट्र के अगले CM क्या क्या कवायद कर लेते हैं। कवायद तो वो भी थी जब उद्धव कनाडा के हडसन बे में पोलर बियर की फोटो खींचने उतरे। टेम्परेचर था 0°C, साल था 2008। खूब चर्चा हुई उद्धव ठाकरे, अभी उनकी सियासत की चर्चा हो रही है। अक्सर वो शिवसेना के लिए पर्दे के पीछे से काम करते थे, खुलकर सामने आए पर्दे पर 1991 में, लेकिन तब नाम सुनाई देता था उनके चचेरे भाई और उस वक्त बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी बताए जा रहे राज ठाकरे का। सियासत में उद्धव से राज आगे थे, उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पकड़ थी, मैनरिज्म हूबहू बाल ठाकरे जैसा। लेकिन राज ठाकरे का नाम एक मर्डर केस में आया तो राज और नाम दोनों नेपथ्य में चले गए। 1997 के BMC चुनाव में उद्धव पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर काम करते नजर आए। 2002 का बरस आया तो BMC चुनाव का पूरा काम बाल ठाकरे ने उद्धव को सौंप दिया। पार्टी को जीत मिली, सेहरा उद्धव के सर बंधा। लेकिन पीछे से कुछ सियासी पंडितों ने कहा कि उद्धव ने राज ठाकरे के चहेतों के टिकट काटे। 2003 में उद्धव शिवसेना के वारिस बने, कार्यकारी अध्यक्ष, और तब तक भाई भाई में टकराव की खबरें बाहर आने लगी। 2004 के चुनाव में राज ठाकरे पार्टी से किनारे कर दिए गए, पैसा, सीटों का बंटवारा, सभा, सबसे किनारे। नतीजा 2006 में शिवसेना से वो अलग हो गए, शिवाजी पार्क पहुंचे, जी वही शिवाजी पार्क, और वहां पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से बना डाली। शुरुआती सफलताओं और विवादों के बाद मन से सियासत में कुछ खास नहीं कर पाई, उद्धव अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी संकोची सतर्क इमेज के साथ शिवसेना को संभाला, पहले BJP के साथ और अब BJP के बिना, BJP की ही शैली को अपना लिया। नरेंद्र मोदी 90 के दशक का उत्तरार्ध, तब ये नाम इतना बड़ा नहीं हुआ था, पार्टी के महासचिव होते थे, हरियाणा के प्रभारी। 98 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में BJP जूनियर पार्टनर थी और बंसीलाल की पार्टी सीनियर, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आए तो जनादेश को किनारे रख के भाजपा चौटाला के साथ चली गई। अगले नतीजे अच्छे आए, चौटाला के साथ कुछ बरस के लिए दोस्ती पक्की हो गई, और 2019 के चुनाव के बाद तो उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत के साथ सरकार भी पक्की हो गई। उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस बात का जवाब तो नहीं दिया
कि जो शिवसेना सोनिया गांधी को, कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती थी, अब उसके साथ सरकार कैसे चलाएगी। लेकिन एक बार फिर से उनका संकोची स्वभाव, उनका स्वाभाविक कवच बनता नजर आ रहा है। पर कितने दिन, देखना दिलचस्प होगा। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना, अपनों का, अपने गठबंधन का, बहुमत के लिए जरूरी तर्कों और आंकड़े का, आपसी समझदारी का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।